हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रेसिपी एक बनाएंगे जो आप लोग सभी भलीभांति जानते हैं। चलिए, हम लोग का एस्केप फूड कलेक्शन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का रेसिपी जो है वो है प्याज से कुछ बनेगा। तो ये होगा प्याज का पकौड़ी। तो चलिए देखते हैं प्याज का पकौड़ी कैसे बनाते हैं और आसान तरीका से। तो पहले प्याज को ऐसे छील के धो के रेडी करके रखिए। तो हम अभी काटने वाले हैं। एक चाकू लिए हैं, एक कार्डबोर्ड लिए हैं, उसमें आसानी से कट जाएगा। तो जब काटेंगे प्याज को तो ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए, छोटा करने से पकौड़ी का साइज इतना अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, जो पकौड़ी है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो अभी सावन का महीना चल रहा है और बारिश भी झमझम दे रहा है। तो बारिश के चलते सुबह हम लोग पकौड़ी बनाने की मन किया, तो पकौड़ी बनाएंगे और गरम गरम पकौड़ी खाएंगे। तो दोस्तों, इस टाइप का जो है बड़ा बड़ा दाना आप लोग काट सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो रेसिपी है प्याज का पकौड़ी, इस तरह काट के सभी प्याज का हम काटेंगे, फिर हम लोग दूसरा प्रोसेस है वो हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो अभी हो गया, इस तरह काटेंगे। ये हम लोग का इतना हिसाब से पकौड़ी बनाना था, उस हिसाब से हम प्याज काट लिए। अब नेक्स्ट क्या काटेंगे, अदरक काटना है। अदरक अगर पकौड़ी में नहीं मिलाएंगे तो पकौड़ी का मजा ही नहीं आने वाला है। तो अदरक मिलाएंगे थोड़ा, उसके बाद प्याज, और अदरक को काटेंगे थोड़ा छोटा छोटा काटेंगे। पूरा छोटा छोटा, ताकि खाने में वो ज़्यादा बड़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर खाने में मिल गया अदरक का बड़ा बड़ा पीस तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसको पूरा छोटा छोटा काटिए। एक हो गया अदरक, हम चुना चुना काट दिए। अभी काटेंगे मिर्चा, यह हम ये स्वाद और भी अच्छा बढ़ाएगा पकौड़ी को। ये हो गया हम लोग का मिर्चा भी रेडी। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस, हम लोग बेसन रेडी करेंगे। तो दोस्तों, बेसन से हिसाब से हम पानी डालें और बेसन को पूरा मिक्स कीजिए, ताकि अंदर में वो दाना ना रहे। तो हम बारीकी से दिखा रहे हैं कैसे पानी मिक्स करना है, और हिसाब पानी का नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वो हिसाब से पानी देंगे तो ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं और ज़्यादा मोटा भी। तो आप लोग मिक्स करते समय आपको अंदाज़ा लगा लीजिए, ये देखिए, ठीक है। बस इतना सा होने से आप लोगों को पकौड़ी बनके तैयार हो जाएगा। अभी इसका ऊपर देंगे प्याज देंगे, अदरक दे रहे, मिर्चा दे रहे। अभी फिर से मिक्स करेंगे, अगर ज़्यादा सूखा हो गया तो हम लोग फिर से बेसन डालेंगे उसमें। चलिए, अभी कढ़ाई गरम करते हैं और आप लोगों को पकौड़ी जो है वो छान के दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये
कढ़ाई का तेल अभी गर्म हो चुका है, अभी हम लोग बनाएंगे पकौड़ी। तो अच्छा से मिक्स कर लिए थे प्याज और बेसन, तो अभी डालेंगे। थोड़ा सा लाल हो जाएगा फिर आप लोग निकाल दीजिए और देखिए कैसे बन रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पकौड़ी कैसे बन रहा है। ये मेरा पकौड़ी रेडी हो रहा है, देखिए पकौड़ी अच्छा से देखिए पूरा लाल हो चुका है। अभी बारिश का मौसम है और घर में बैठ के पकौड़ी बना के खाइए, उसका मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों ये पकौड़ी कैसा दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बस दिखने का साथ ये स्वादिष्ट भी अच्छा है, क्योंकि ये बेसन में जो बेसन का पकौड़ी है उसमें प्याज डाला गया है, अदरक डाला गया है और मिर्चा डाला गया है, नमक स्वाद के हिसाब डाला गया है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी सोडा मिला गया है। तो दोस्तों ये पकौड़ी खा के आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि पकौड़ी कैसे बनाए हैं, और आप भी घर में बैठ के बनाइए और आप भी सीखिए, वाइफ को भी सिखाइए। अगर लड़की को बोला हूँ तो आप लोग सीखिए, अपना हस्बैंड को भी सिखाइए। ये है पकौड़ी दोस्तों। मेरा जो एएसके फूड प्रोडक्शन चैनल है फूड का, तो इसमें हम फूड के हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर देसी फूड जो है साग सब्जी के ऊपर हम कोशिश करेंगे और ढूंढ के आप लोग को सब्जी बना के सिखाएं। तो हम पहले नहीं सीखे थे, मेरे वाइफ ने मुझे सिखाया है, मिलाएंगे मेरे वाइफ को भी कभी मौका मिले तो। फिलहाल अभी नहीं है, वो मायके गई है, वो आने के बाद आप लोगों को हम उनसे मिलाएंगे और एक दिन लाइव चैनल में भी आएंगे और आप लोग ढेर सारे बातें कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा ये फूड चैनल के साथ और एक भी चैनल है, वो है ट्रैवल चैनल है, उसका नाम है बाइकर धर्म। जाके यूट्यूब पे चेकआउट कीजिए बाइकर धर्म। मैं इंडिया का हर जगह घूमता रहता हूँ, कभी बाइक पे तो कभी फोर व्हीलर पे। तो फिलहाल हाल ही में हम कोरापुट टूर करके आए हैं, वो अपलोडिंग नहीं किए हैं, जल्द ही अपलोड होने वाला है। जाके बाइकर धर्म चेकआउट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वो प्लेस ऑफ कैसा रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा पकौड़ी का जो रेसिपी है, आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा ज़रूर, तो मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज का जो रेसिपी था इतने में ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।